अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन चोरी के ऊपर कोई भी अगर स्टोरी या वेब सीरीज या कोई भी मूवी अगर हमें देखने को मिल जाए तो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी मजा आता है उसको देखने में कि किस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, चोरी किस तरीके से होगी, क्या होगा उस मूवी के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों को काफी पसंद आती है इस टाइप की मूवीज और वेब सीरीज। तो इसी थीम के ऊपर बेस एक न्यू वेब सीरीज आई है जिसका नाम है मत्स्या कांड। काफी बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसकी। आपको लगेगा कि यार ये काफी सुनी सुनाई सी है कहानी और ये चोरी है तो बस वो पुराने तरीके से चोरी हो रही होगी, लेकिन नहीं, जैसे जैसे आप उसे देखते जाओगे इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाएगा कि एंड में क्या होगा, आखिरी में और क्या हो सकता है इस नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। अगर हम इस वेब सीरीज की बात करें तो इसके जो मेन कैरेक्टर है वो है रवि दुबे, जिनका जो नाम है इस वेब सीरीज के अंदर वो है मत्स्या। मत्स्या जो है एक्चुअली वो जब वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो वो एक जेल के अंदर होता है। अच्छा, अब वो जेल में पहुंचा कैसे? तो वो जेल में ऐसे पहुंचा कि उसकी जो माँ होती, उसके जो बाप होता है वो उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। जब उसका बाप मर जाता है तो उसकी माँ की शादी जबरदस्ती उसके चाचा के साथ करवा दी जाती है। अब चाचा जो है वो इनका पेट्रोल पंप हड़पने के चक्कर में उसकी माँ से शादी करता है और फिर किस तरीके से शराब पी के रोज रात को उसकी माँ को टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, जो उस मत्स्या से बर्दाश्त नहीं होता है, वो ये सब देख नहीं पाता है। किस तरीके से ये स्टोरी इमोशनल एक वो भी लेती है, इमोशनल साइड भी लेती है स्टोरी। और फिर वो एक दिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा होकर वो पेट्रोल पंप को आग लगा देता है और फिर वो जेल में चला जाता है। और फिर किस तरीके से जेल के अंदर उसको एक पंडित मिलता है जो कि उसकी हेल्प करता है, उसे समझाता है, उसे पढ़ाता है। उसका एक डायलॉग बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मूवी, इस वेब सीरीज का एक डायलॉग है जो कि पंडित बोलता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हो। मतलब कहने का है कि जो जेल है वो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो आपको वो सीख देती है जो आपको कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है। तो वो चीज, उसका डायलॉग बहुत जबरदस्त है ये। तो इस तरीके से वो जो 10 साल जो जेल के अंदर होता है वो काफी चीजें, नई नई चीजें सीखता है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना है, किस तरीके से जबानें सीखता है वो। ये काफी इंटरेस्टिंग है ये देखना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल खत्म ना हो जाए, बट ये जब आप देखोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसका जेल में किस तरीके से ये चीजें सीखता है। और फिर जब हम आगे निकलते हैं तो फिर किस तरीके से उसको जेल से बाहर निकाला जाता है और क्या करता है वो, किस तरीके से वो पहला कांड करता है अपना, जो उसका पहला कांड होता है मैच फिक्सिंग का, वो किस तरीके से वो, अब वैसे अब अगर आप मैच फिक्सिंग की बात करें तो मैच फिक्सिंग तो बहुत से लोगों ने देखी होगी स्टोरीज के अंदर कि यार मैच फिक्सिंग होती रहती है, क्या नई बात है इसके अंदर, वो तो हर मूवी में हमने देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ नया इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इसके अंदर कि किस तरीके से वो ये मैच फिक्सिंग का गेम करेगा और किस तरीके से पैसे वहां से लूटेगा। तो ये आप जरूर देखना, मैं बता के मजा खराब नहीं करूंगा। और फिर जब पहले कांड के बाद जब वो दूसरे कांड की तरफ बढ़ता है तो वो किस तरीके से उसकी प्लानिंग करता है और क्या दिमाग लगाता है वो चीजों को चेंज करने में, और एंड में भी जो एक ट्विस्ट आता है, ओहो मजेदार ट्विस्ट है यार, आप देखोगे आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है ये वेब सीरीज में और कुछ नया देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एक कैरेक्टर तो मैं भूल गया जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो है हमारे रवि किशन बाबू। यार रवि किशन की एक्टिंग तो आपको सबको पता ही है कि आला तरीन एक्टिंग है और काफी टाइम के बाद उन्होंने वापस से कमबैक किया है, तो इनकी भी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। और इनका भी एक कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का जो इसके रवि के जो मत्स्या है उसके पीछे भागता रहता है उसे पकड़ने के लिए, और किस तरीके से वो भी थोड़ा बहुत पैसे खाता है और घूसखोर है वो भी, लेकिन वो इसके पीछे इसीलिए पड़ा हुआ होता है कि उसे भी पैसे चाहिए होते हैं। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और किस तरीके से इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जब होता है तो क्या गेम पलटती है और किस तरीके से क्या होता है, ये सब जब आप वेब सीरीज देखोगे तब आपको लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत इंजॉय करोगे और एक नई चीज देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 5 out of 5 स्टार्स है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है और वैसे इसकी ओवरऑल रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप जरूर देखना और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। आप तमाम का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।